जो बुद्धिस्ट है, जो दलित है, जो हिंदू नहीं है, उनका क्या करेंगे? दलित हिंदू है वो तो नहीं मानते। आपके आपके गुजरात से आप, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे रुक जाओ भाई, दर्द हो जाएगा छाती में। एक मिनट, अरे रुक जाए यार। गुजरात में मूछ रखने पे मारा गया सोलंकी को, बच्चे को मारा गया पीट के, बॉडी रखने पे मारा गया, बॉडी रखने पे मारा गया। नहीं है, मैं नहीं मानता। मूछ क्यों नहीं रखते फिर? दलित क्यों नहीं रखते? वो आप लोग भड़का रहे हो। हम भड़का रहे, ये सही है। अभी जब बात आ गई तो भड़का रहे हो आप। भड़का रहे, दलित दलित इज अ हिंदू, ये आप कह रहे हैं ना। जो दलित है वो तो नहीं कह रहा। शाखा वाले हैं, शाखा वाले नहीं, समाज वाले हैं, समाज वाले। और निकल गया मुंह से आरएसएस वाले। एक मिनट, एक मिनट, आरएसएस वाले। अरे बोलने तो दो, डॉक्टर हो बीपी बढ़ जाएगा, डॉक्टर हो बीपी बढ़ जाएगा, फिर हार्ट अटैक की दिक्कत होगी। तो मोदी अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो वो क्या है, गवर्नमेंट का फंड मिलता है मीडिया वालों को, तो मोदी के भजन गाएंगे पिछले लेवल से ही जाएंगे। एक भजन गाते हैं कि भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, सुना है? गाते हैं, आपके गुजराती में भी गाते होंगे। मैं अगर भूखा हूँ, मेरे बदन पे कपड़े नहीं है, मेरे पैर में जूता नहीं है, मैं मेरे पास रोजी रोजगार नहीं है, मैं सिर्फ भजन गाता रहूँ, मैं सिर्फ ईश्वर की आराधना करता रहूँ, मैं सिर्फ हिंदुत्व की बात करता रहूँ, उससे मेरा पेट भर जाएगा? मेरा बच्चा अगर घर में भूखा है, वो कह रहा है कि मेरे को दाल भात ला के दे दो, मेरे को रोटी दे दो, तो मैं उसको रोटी ला के दूंगा कि भजन सुनाऊंगा? जब भी धर्म की रक्षा करनी हो, अपना धर्म बचाना हो, तो जो भूखा रहा है, जो सोया नहीं है, जिसने अपने बदन पे कष्ट लिए हैं, उसी ने अपना धर्म बचाया है। खाने वाले, सोने वाले और भोग विलास करने वाले अपना धर्म नहीं बचा सकते। हमें अपना धर्म बचाना है, भूखे रहेंगे। पर किसने कहा भूखा रहना नहीं है? एक मजदूरी करें। आई एम इनफ कैपेबल कि मैं 40-50 हज़ार रुपये, मेरे को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। मैंने पोस्ट में नौकरी मेरे को मिली थी 10 पास पे, ठीक है, वो मैंने ठुकरा दी। अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में, मेरा फॉर्म 16 11 लाख रुपये पर एनम बन रहा है, ठीक है। मेरे को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, कमाने वाला मैं हूँ घर के अंदर। क्यों मेरे को चाहिए ही नहीं फ्री वाला कुछ? बिजली नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। क्या आपके जितने कैपेबल हर आदमी है? हर आदमी को बनना पड़ेगा। एक कैसे बनेगा? वो स्कूल बंद करके बनेगा? राज्य सरकार आप देख लो, एनआईए की जितनी भी रेड पड़ती, आतंकवादी हर राज्य में से मिल जाएगी। गुजरात में कितने मिले? आपके यहाँ तो बड़ा इतिहास है, फिर जिक्र करेंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाओ आप, उसके अंदर भी बहुत वो हल निकाल दिया है, ठीक है, पीछे जाना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे डिबेट भटका रहे हैं। वो हल निकल गया है, वो हल 20 साल से तो शांति है ना। मेरा उनसे सवाल है, भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदुत्व बहुत जरूरी है, चलो आपकी आस्था है, जो हिंदू नहीं है, जो मुस्लिम है, जो बुद्धिस्ट है, जो दलित है, जो हिंदू नहीं है, उनका क्या करेंगे? दलित हिंदू है वो तो नहीं मानते। आपके गुजरात से आप, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। आपके गुजरात में मूछ रखने पे मारा गया सोलंकी को, बच्चे को मारा गया पीट के, बॉडी रखने पे मूछ रखने पे, बारात चढ़ने पे, कैसे? सबसे ज्यादा मेन आ चाहता आप स्टेटमेंट नहीं लूंगा मैं, नहीं ली। अरे ऐसा थोड़ा ही है भाई, ऐसे थोड़ा ही ले लगे। नहीं है, मैं नहीं मानता। मूछ क्यों नहीं रखते फिर? दलित क्यों नहीं रखते? अभी मैं आया हूँ आपके यहाँ पे, शमशान घाट अलग है, अभी मैं आपके यहाँ से होके आया हूँ, शमशान घाट में जलाने के बाद भी अलग से रखी गई है चिताए, किस बात का बना रहे हैं आप? भड़का रहे हो वो आप लोग, भड़का रहे हो, हम भड़का रहे, ये सही है। अभी जब बात आ गई तो भड़का रहे हो आप, भड़का रहे। दलित इज अ हिंदू, ये आप कह रहे हैं ना। जो दलित है वो तो नहीं कह रहा, फिर उसकी कैसे करोगे? दलित भी कह रहा है, क्यों कह रहा है भाई? आप कह रहे हैं हिंदुत्व बनाएंगे, आप हिंदुत्व बनाएंगे तो हिंदुत्व में कैसा राज होगा? वहाँ व्यवस्थाएं होंगी कुछ, तो व्यवस्था होगी, कैसा होगा बताइए? कैसा हमारा विषय है, कैसे भी होगा। एक दो घटना क्या सुनाओ तो, एक दो घटना आप जो बता रहे हैं ना, ऐसी एक दो घटनाएं बनती है, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ। आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बनती है, बनासकांठा में साल में 2-4 बार ऐसी घटनाएं बनती है, किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, किसी को मूछ रखने पर मारा, लेकिन उसके कारण ये नहीं है कि पूरा हिंदुत्व टूट जाए। वो 2-4 घटनाओं को समझा देते हैं, समझाने वाले लोग, दो बुरे लोग होते हैं, तो उसके सामने 50 अच्छे लोग भी होते हैं। आप एक बोलते हो कि ये भाई को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, एक इंसान ऐसा बुरा होता है, लेकिन 50 इंसान उसके गांव में ऐसे होते हैं जो उसको घर में बुला के खाना भी खिलाते हैं। देखो यार, तो बुरी बात होती है वो जो मीडिया वाले बहुत देखते हैं, उसको बड़ा चढ़ा के
शोर मचाते हैं, अच्छी बातें कभी नहीं बताते, ऐसा बहुत बार होता है। मीडिया वाले अच्छी बात बता रहे, उधर से मोदी जी बीजेपी जो कहती है सारी अच्छी बातें बता रहे मीडिया वाले, मीडिया वालों के सामने मीडिया वालों की बुराई सुनूंगा नहीं, सारे मीडिया वाले मोदी मोदी कर रहे हैं, फिर कैसे बोल रहे हैं आप? तो मोदी अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो वो क्या है, गवर्नमेंट का फंड मिलता है मीडिया वालों को, तो मोदी के भजन गाएंगे, इतना ईमानदार तो लड़का तो मीडिया वाले करप्टेड है तो हम क्या करें? मीडिया वालों को सुधरना चाहिए, जेन्युइन बात ही बतानी चाहिए। अब आप सब बोल रहे हो सब दुष्ट है, सब अपनी अपनी जेबें भरने लगे, ऐसे मीडिया वाले भी बने। मैं भी देखता हूँ ना, मैं भी बहुत बार देखता हूँ कि भाई इतना सारा मोदी की प्रशंसा गलत है, लेकिन वो कौन कर रहा है? मीडिया कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसके पैसे के लिए। कुछ बीजेपी में भी फॉल्ट है, वो दिखाने चाहिए। आपके पास भी आ रहा हूँ, बड़ा फैन हूँ बीजेपी का, लेकिन मैं मानता हूँ कि बीजेपी को भी सुधरना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए। भ्रष्टाचार होता है यहाँ, होता है गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में भी होता है, फिर भी इतना, लेकिन ये भ्रष्टाचार की बात कौन बताएगा? आम आदमी बताएगा? मीडिया को बतानी चाहिए। क्यों चुप है मीडिया? क्योंकि वो भी पैसे बताए ना, अपने फंड मिलता है अभी तो बताया। हाँ मिलता होगा ना, इसीलिए मीडिया वाले नहीं बताते। मीडिया वाले वो गवर्नमेंट फंड लेते हैं, इसीलिए मोदी के भजन गाते हैं। ये देखिए, बहुत सुनने वालों को बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है। अब हम वापस डिबेट पे लौटते हैं। इसमें हमने दलित इशू पे बात कर ली, हमने मीडिया पर बात कर ली, अभी जो आपने जिक्र किया हिंदुत्व का, भूखे पेट हिंदुत्व को ढोना सही है, मर जाएं मिट जाएं लेकिन हिंदुत्व को गाते रहें। कौन मार रहा है हिंदुत्व को? भूख से मरना, कौन भूखे मर रहा है? कौन भूखे मर रहा है? अरे बोलने तो दो, डॉक्टर हो बीपी बढ़ जाएगा, डॉक्टर हो बीपी बढ़ जाएगा, फिर हार्ट अटैक की दिक्कत होगी। सुनिए, सुन लो, देखो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखा आपने, है ना, 131वें नंबर से हम कहाँ पहुँच गए भूख सूचकांक में? पूरी दुनिया में हमारे यहाँ भूख से ज्यादा लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? डॉक्टर हो, हेल्थ से जुड़े हो, आपका यहाँ का अगर अगर ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट देखेंगे पिछड़ा है गुजरात, आंकड़ा बता दूं आपको, देखते हैं आपके यहाँ मातृ शिशु मृत्यु दर बढ़ती है, मरते हैं बच्चे, हेल्थ ये होता है ना, तो फिर सही बात। अरे मैं प्रवक्ता हूँ क्या केजरीवाल का यार? मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब सब मुद्दों की बात करेंगे तो इनकी भी बात करेंगे ना भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, आप हिंदुत्व है आपकी आस्था हो सकती है, उसका सम्मान, भारत का संविधान सबको अपनी धार्मिक आस्था की आजादी देता है, ठीक है, आर्टिकल 25 आपको सबको देता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई, मेरे को रोजी रोजगार, रोटी, सड़क, शिक्षा, ये भी तो चाहिए ना। लेकिन सर जी आप आंकड़े पे मत जाइए, सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा है? केरला। केरल सबसे ज्यादा आतंकवादी कहाँ से पैदा होते हैं? केरल से। तो आप आंकड़े पे मत जाइए, आप जो दिख रहे हैं, आप जनता के बीच में आए हैं, तो उसका मतलब आप लुकआउट करिए। पूरा केरला को अगर सबको आतंकवादी कहने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? बोला इसलिए बोला हमारा ये, मैं आपके स्टेट का जिक्र कर रहा हूँ ना भाई, आपने कह रहे हैं कि आप फिर ये आतंकवाद, हिंदूवाद, चीन, पाकिस्तान, इसी पे डिबेट होगी, फिर मुद्दों पे डिबेट ही नहीं होगी। मेरा मकसद मुद्दों पे डिबेट करना है, अगर चीन पाकिस्तान पे हिंदू मुसलमान, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपका खुद ज्यादा अच्छा होगा भाई, लेकिन जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब देने पड़ेंगे। ये बताइए, इनका कहना है कि भाई हिंदुत्व ज्यादा जरूरी है, रोजी रोटी रोजगार, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा सेकेंडरी चीज है। चलो हम भी बोलना चाहते हैं कि हम भी हिंदू है, बराबर, हिंदुत्व भी जब भी खतरा आएगा हम भी खड़े हो जाएंगे, बस कोई बात नहीं, पर मुद्दे की राजनीति करो ना, अभी मुद्दे से क्यों भटकते रहे हो? ये राजनीति वाले राजनेता बहुत अच्छी ऊपर वाली सोच वाले रखते हैं, वो क्या करते हैं गेम रमते कुछ पता नहीं। अभी वो मुद्दा मेरे को याद आया, वो भाई साहब ने बोला था कि गुजरात के बच्चे बाहर रोजगारी के लिए नहीं जाते। अरे भाई ऐसा बोलना चाहता हूँ कि गुजरात पहले से ही डेवलप है, इसका मतलब पहले से वेल्थ है, मतलब सबसे सब ना 27 साल से नहीं, अरे 27 साल ज्यादातर से क्या कह रहे हैं, 27 साल से ज्यादा है, 27 साल से ज्यादा पहले से मध्य। और अभी दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल में इतनी भी, अभी ये विद्या मंदिर स्कूल के स्टूडेंट खड़े हैं अपने सामने, आठवीं कक्षा में पढ़ रहे, उनके पूछो कि कितनी फी है, 25,000 फी है, ये भी बोलो कितनी फीस है बेटा, 25,000। साइंस की कितनी फीस है बोलिए, 11-12 साइंस की, ये 25,000 साल के दे रहा है, अगर इसकी हैसियत है तो ये बच्चा परिवार देगा, है ना? अरे महाराज बोलने दो, माइक लो, बोलने तो दो। जो बच्चे नहीं, जिनके परिवार में पैसे नहीं हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल एक सबसे बड़ा साधन होता है ना, कि सरकारी स्कूल में ही वो पढ़ पाएंगे। इस देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, आपके गुजरात में भी हैं, अगर आप बिल्कुल एकदम चश्मा लगा के बोलेंगे नहीं है तो फिर तो कोई डिबेट ही नहीं होगी। जो गरीब है उनको सरकारी स्कूल के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वो क्या है,
होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। वो क्या होता है, कई बार अपने को अपने आप भी सेल्फ मोटिवेटेड होना रहता है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूँ, अपन लोग चलो एक गरीब आया पेशेंट, अपन बोलते चलो ये लिख के दिया, एक्सरे करवा लो, ये दवाई लिखा अभी करवा लो। इतने निकम्मे, बोलूँगा निकम्मे पेशेंट होते हैं कई बार, सब एक्सरे कहाँ पे आया, मैंने बोला वहाँ पे एक्सरे है सब, मुझे ले जाओ, अभी डॉक्टर को जाना पड़ेगा उसके साथ। इंडिया में वो पब्लिक ही ऐसा है। उसको अगर हम सिविक सेंस से जोड़ें कि हमारे यहाँ शायद इतनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा का स्तर सिविक सेंस नहीं है, सिविल सोसाइटी उतनी जागरूक नहीं है, तो इसमें उनके ऊपर बोझ डाल देना क्या सही है? ये थोड़ा उनको अभी एजुकेशनली सिखाना, पढ़ाना, बताना, धीरे धीरे अभी बौद्धिक, मतलब आरएसएस का जो है वो बौद्धिक भी कर रहे हैं, गांव-गांव जाके भी सब कर रहे हैं, वो एजुकेटेड आरएसएस सिखा रही है कैसे जीवन का तरीका, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ आरएसएस सिखा रहा है। कई मतलब फाउंडेशन है, सतगुरु जी का ऐसा फाउंडेशन है जो सारे, मतलब वो फाउंडेशन है विश्व हिंदू परिषद का है, वो गांव-गांव जाके थोड़ा एजुकेट भी कर रहा है। पर एजुकेट अपने आप को तो होना पड़ेगा, थोड़ा तो एजुकेट अपने आप। जाते शाखा में पालमपुर में जाता था, अहमदाबाद में मैं अभी नहीं नहीं जाता हूँ, पालमपुर में जाता था, पर पालमपुर मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया है। शाखा वाले हैं? शाखा वाले नहीं, समाज वाले हैं, समाज वाले, और निकल गया मुंह से, आप मुंह से आरएसएस वाले, एक मिनट आरएसएस वाले, मानववाद, एक मिनट दर्द हो जाएगा छाती में, एक मिनट, तुम्हारे गर्व से कहने पे किसी को आपत्ति है? इधर इधर नहीं आने दो इसको। मैं मानव धर्म, सबसे बड़ा मानव धर्म हिंदू धर्म, आरएसएस शाखा, तीनों में जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और ये तीन का ही सभ्य, उसके बाद मुझे कल डॉक्टरी चली जाएगी। मेरा गवर्नमेंट नौकरी था पर है नहीं मेरा अभी, मैं प्राइवेट। आपका अस्पताल भी प्राइवेट हो गया? हाँ, मैं प्राइवेट ही खोला है मैंने। आपने अपना खोला? हाँ, क्योंकि मुझे अपने अपनी तरीके से देखना है। बाकी था, मैं 16 सिविल में ही था पहले। अच्छा। पर मुझे अपनी तरह से देखना है। हाँ। अभी सरकार मुझे नौकरी दो, चलो सरकार बढ़ा रही, इतने डॉक्टर पीएचसी खाली, अभी पीएचसी खाली नहीं है मेरे, मैंने खुद अप्लाई किया था 2 टाइम, खाली नहीं है, तो वो अच्छी बात है। पीएचसी खाली नहीं है वो अच्छी बात है। गांव-गांव में सब जाके डॉक्टर बैठ गए, पहले डॉक्टर ही नहीं थे, अभी गांव-गांव में डॉक्टर है, मुझे खुद पीएचसी में नहीं मिला। आपके गुजरात में गांव-गांव में डॉक्टर कह रहे हैं कि यहाँ पे गांव-गांव में डॉक्टर है क्या? गांव-गांव में डॉक्टर जी, गांव-गांव में अभी थोड़े दिन पहले ही फर्जी डॉक्टरों को ढूंढा है। बहुत सारे डॉक्टर है जिनके पास डिग्री अभी नहीं है, ऐसे डॉक्टर डॉक्टर मतलब अपना अस्पताल खोल के बैठ गए गांव-गांव में। गांव-गांव में अभी थोड़े 1-2 साल पहले ही सभी फर्जी डॉक्टरों को गांव-गांव से पकड़ के इन्होंने बैन किया है, अभी थोड़े दिन पहले ही। तो गांव-गांव फर्जी डॉक्टर जिनके पास डिग्री अभी नहीं है। लेकिन 27 साल से बीजेपी फिर कैसे जीत रही है? अगर वो काम नहीं कर रही तो जीत कैसे रही है? जीत रही है, बस ये एक ही मुद्दा है उनके पास, हिंदुत्व का। और ये और क्या, आम आदमी पार्टी है तो वो क्या हिंदुत्व खत्म कर देगी? दिल्ली में हिंदुत्व, आम आदमी पार्टी हाथ में हनुमान चालीसा लेके बैठी है ना। केजरीवाल साहब एक तरफ जो है भगत सिंह की बात लेके, एक तरफ भगत सिंह का लेके बैठे हैं तस्वीर, और एक तरफ हनुमान चालीसा। भगत सिंह बोल के गए कि मैं नास्तिक क्यों, अगर आपने उनका आर्टिकल पढ़ा हो तो वो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, जिसको जो उसको नकार रहा है वो मेरा आदर्श है, और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा लेके खड़े? मेरा कहना ये है कि वो बोल रहे हैं हिंदुत्व, तो दिल्ली में क्या केजरीवाल सरकार है तो वहाँ हिंदुत्व का खत्म हो चुका है, वहाँ भी हिंदुत्व तो है ही ना। राजनीति हिंदुत्व की केजरीवाल भी कर रहे हैं ना, वो सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया, ये हार्ड हिंदुत्व हो गया, लेकिन राजनीति तो कर ही रहे हैं ना। राजनीति करेगी ना, राजनीति करेगी, क्योंकि अभी उनकी सरकार आनी है, ठीक है। और ये इनके पास तो बहुत सारे, उनके पास बहुत सारे मुद्दे, एजुकेशन जो आम आदमी को जरूरत है वो उनके पास मुद्दे है, जो जैसे कि ये बिजली बोल रहे, सब बोल रहे, वो दे रहे आम आदमी की जरूरत। और यहाँ पे सिर्फ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनका ही फायदा देखा जा रहा है, ठीक है। और सवाल बदल देता हूँ, और सब ये डिबेट फिर एंडलेस हो जाएगी, चलती रहेगी शाम तक। किस पे दिल्ली की बताओ, ये बोल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं दिल्ली का, ये खुद जाके वहाँ पे चेक करके आए? गए हैं भाई साहब, गए दिल्ली, कोई गया आप में से? देखा दिल्ली? गए नहीं है, गए यूट्यूब में अवेलेबल है, देख सकते हैं, स्कूल बोल। आपने देखा है? ना देखा नहीं, लेकिन सब वेबसाइट पे सभी जगह जाना है की जरूरत थोड़ी है, उधर जाके आप गए? नहीं गया हूँ, मैंने सुना ही ये, और ये सब फेक ही बात है। दोनों गए नहीं और लड़े जा रहे हैं। हम गुजरात में रहते हैं और गुजरात में कितना विकास है वो हमने देखा है, पूरी गुजरात ने देखा है, और हम जब तक जिएंगे तब तक भाजपा को भी वोट देंगे, और किसी को केजरीवाल किसी को लाएंगे ही नहीं यहाँ पे। अच्छा चलो, कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है? कांग्रेस का वो तो आने वाली ही नहीं है ऐसे गुजरात में। आपके यहाँ से विधायक कांग्रेस के हैं? हाँ वो है,
वो है यहाँ से विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन हाँ वो विधायक है लेकिन वो पटेल समाज से हम समाज यहाँ आ गया क्या है समाज सब देखते हैं बरोबर अलग अलग समाज के वो कांग्रेस में देते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस साल कांग्रेस को यहाँ से भगा के भाजपा को ही लाएंगे। और इस साल से तो भगा रहे हैं आप, आएगा अब आएगा अभी भाजपा ही आएगा। यहाँ कांग्रेस पे आपकी आस्था नहीं है। अच्छा आम आदमी पार्टी वालों के पास एक और विकल्प है कांग्रेस, कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों ना? अभी तो आम आदमी पार्टी का ही ख्याल है क्योंकि उनकी मुद्दे की राजनीति है, अच्छा रोड रास्ता फ्री बिजली है और सभी जगह डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए उनको ये में वोट देने की बात। आपको नहीं कोई पसंद इनके अलावा कांग्रेस नहीं पसंद पार्टी, क्योंकि एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं 27 साल 5 साल एक बदलाव होना चाहिए क्योंकि हमने देखा है इतने साल देख के, हमने इनको मौका दे के देख लिया, अब एक बार आम आदमी पार्टी का मौका दे के देखते हैं। यहाँ पालनपुर की जनता जिसमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ लोग बदलाव के पक्ष में हैं, जिन्हें नए चेहरे के रूप में केजरीवाल पसंद है, जिनको लगता है कि केजरीवाल को एक मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि 27 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। कुछ लोग आरएसएस संघ की शाखा से जो लोग हैं बीजेपी के समर्थक हैं वो बीजेपी के अलावा कहीं जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पालनपुर की सीट से कांग्रेस के विधायक हैं उनके पक्ष में यहाँ कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ होता क्या है, इस सीट से कौन चुना जाएगा ये तब पता चलेगा जब वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती होगी। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है? क्या हिंदुत्व के नाम पर ही राजनीति होनी चाहिए या फिर रोजी रोटी रोजगार पर शिक्षा पर भी बात होनी चाहिए? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।